हेलो दोस्तों, इंट्रोवर्ट रिफ्लेक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं, बिहार नो योर लीडर। इस सीरीज में मैं बिहार के जो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि इलेक्शन लड़ सकते हैं या जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है या जिन्होंने बिहार के पॉलिटिक्स को प्रभावित किया है पिछले कुछ सालों में। मैं उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊंगा, मैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि उनका करप्शन में इन्वॉल्वमेंट रहा है कि नहीं रहा है, मैं बताऊंगा उनपे क्रिमिनल चार्जेस कितने हैं, मैं बताऊंगा उनपे सिविल चार्जेस कितने हैं, मैं उनके टोटल एसेट्स के बारे में बताऊंगा, मैं बताऊंगा उनका विजन क्या है बिहार के प्रति। और आशा करूंगा कि आपके डिसीजन मेकिंग में ये आपको हेल्प करे या आपकी मदद करे, ताकि आप सही नेता का चुनाव कर सके। जब तक सही नेता का चुनाव नहीं होगा, बिहार में तरक्की नहीं हो सकती। वो बिहार जो अशोक का बिहार है, वो बिहार जहाँ से जैन धर्म का इंसेप्शन हुआ, वो बिहार जहाँ से बौद्ध धर्म का इंसेप्शन हुआ, जी हाँ, वही बिहार जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब हैं, और वही बिहार जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज के डेट में सबसे नीचे है। तो सही नेता का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। आशा करूंगा आपके डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करे। धन्यवाद।